अगर आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं तो आप लोग के लिए एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज क्या है हम आपको वीडियो का एंड में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर प्लेट का रोल मटेरियल कैसे तैयार होता है और किस तरह से बनता है, किस तरह से सेटिंग की जाती है। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं 13 इंच का रोल जो कि पेपर थाली का होता है, और दोस्तों ये हमारा ब्लेड लगा हुआ है 26 इंच का रील लगा के, इसको हम 13 इंच पे हाफ कर रखे हैं। दोस्तों ये है हमारा फेविकोल, और कितना सुंदर सा कलर है ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं गोल वाला, इसे कम या बेसिक किया जाता है गम। आइए दिखाते हैं गम का चिपक। देखिए दोस्तों गम का इतना चिपक होना चाहिए तो आपका पेपर गीला भी नहीं होगा। और दोस्तों देखिए ये है लोहा, अगर पन्नी आपका मुड़ता है तो आपसे ठोक ठोक के सीधा कर सकते हैं, और उसी तरफ वहाँ भी होता है, वहाँ पर ऊपर ये नीचे कर सकते हैं, इसको दाएं या बाएं कर सकते हैं। और दोस्तों ये है पेपर का ब्रेक, इसको बहुत ही मीडियम में कसना होता है, अगर आपको ढील देंगे तो आपका फट फट पन्नी टूटेगा और आपको अच्छे लेवल से नहीं होगा। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं रिबाइंडर, इसको पेपर को बीच में रखा जाता है, पन्नी को फिल्म को बीच में रखते पेपर का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए दोस्तों और दिखाते हैं। दोस्तों ये है हमारा गम जो कि हम बनाए हैं फेविकोल, देखिए दोस्तों कितना गाढ़ा फेविकोल है और कितनी कम मात्रा में फेविकोल चल रहा है। आइए दिखा दे दोस्तों और कितना हमने रोल बनाया था। तो दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों ये 26 इंच का रील चढ़ा के हम इसे 1/2 कर रखे हैं, तो 13x13 का हो गया जो कि थाली का रोल होता है। देखिए दोस्तों ये हमारा कटर लगा हुआ है 13 इंच के बीच में, और ये देखिए दोस्तों हमने इतना सारा 13 इंच का रोल बना रखा है कटिंग कर करके, जो कि हमारा जाएगा पूर्णिया माल। आप ये देख सकते हैं कितना सारा रोल बना रखे हैं दोस्तों, ये 3 टन का माल हो चुका है। देखिए दोस्तों ये साल पत्ता में है 13 इंच का रोल, और ये देखिए दोस्तों ये गुपचुप कटोरी का है 4 इंच का रोल, देख सकते हैं कम से कम 20-25 रोल हैं ये वाले, और ये 13 इंच के 8-10 रोल हैं। देखिए दोस्तों कितने मस्त चल रहा है, और ये है मशीन लेवलेशन मशीन की, आप देख सकते हैं ये भी दोस्तों गम का सेटिंग है। और ये देखिए रोल हमारा पेपर का रील ख़त्म होने वाला है, जैसे रील ख़त्म हो जाएगा वैसे हम दूसरा लगा देंगे। आइए दोस्तों और चीज़ दिखाते हैं आपको इसमें। ये देखिए दोस्तों अभी हम 6 टन का ट्रक आया था, उसमें से हमारा आधा माल कट चुका है, आधा माल और बचा हुआ है। देखिए दोस्तों ये हमारा 7 इंच का प्लेट है, प्लेट का रोल है जो कि गुपचुप उसका है, मोमोज का, और ये हमारा थाली का है साल पत्ता में। और दोस्तों दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारा गुपचुप कटोरी, मोमोज कटोरी और आटा में प्लेट का रोल है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी बाकी सारी डाइयाँ हैं जो कि मशीनें के साथ जाने वाली है। आइए दिखाते हैं वो कौन सी मशीन है जो जाएगी, और उसको हम जाएंगे सेट करने के लिए, हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों ये हमारा सिंगल ब्लॉक की मशीन है जो हम चलाते हैं, और वो जो आप देख रहे हैं सामने वाइट वाली मशीन, वो है डबल ब्लॉक की बैरिंग जो कि जा रहा है जहानाबाद, तो हम जाएंगे जहानाबाद मशीन सेट करने के लिए, तो आपको वहाँ का भी वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह मशीन सेट होती है, फुल ऑटोमेटिक मशीन। देखिए दोस्तों वो डबल ब्लॉक की बैरिंग है, उसको हम सेट करने जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ने जान ही लिया है कि पेपर प्लेट का रोल मटेरियल कैसे तैयार होता है। और दोस्तों अगर आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं, आप मशीन चला रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप लोग की मशीन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी मशीन फ्री में ठीक कर देंगे। दोस्तों अगर आप लोग की मशीन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मैकेनिक को खोजते हैं, तो मैकेनिक आपसे 4000 या 5000 रुपये डिमांड करता है, तो आपको मजबूरन उसे देना पड़ता है, लेकिन दोस्तों हम आपकी मशीन फ्री में ठीक कर देंगे। बस उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम जाएंगे 21 तारीख को जहानाबाद, वहाँ का वीडियो आपको बना के भेजेंगे, देख लेना आपको फुल ऑटोमेटिक मशीन सेट किस तरह होती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।